पुलवामा अटैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारी जो अटैक हुआ था उसके बाद में वापस से हमने स्ट्राइक बैक किया है, लेकिन फिर से वो अटैक हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी देखिए, पुलवामा अटैक हो, देखिए दोनों तरफ की जान है, इंसान इंसान बराबर है, तो मेरे हिसाब से हैशटैग नो वॉर नहीं होना चाहिए। और एक टेबल पे बैठकर भी बातचीत सुलझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अटैक करें और ये सब। लेकिन हाँ, उन्होंने भी गलत किया तो उसका जो जवाब दिए वो भी सही। मेरा एक सवाल अटैक से रिलेटेड है। हमारे एक जवान हैं जो वहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, उनका वीडियो काफ़ी अभी इंटरनेट पे वायरल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी अगर आप वीडियो में देखें तो उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है तो मैं भी, पाकिस्तान पूरा पूरा तो ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर एक ने गलती की है तो उसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं, तो पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है। तो उस हिसाब से अगर ऐसे रखा जाए तो पाकिस्तान पूरा ख़राब नहीं है, तो वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, बुरे भी लोग हैं, इवन हमारे इधर भी लोग होंगे इस तरीके के। तो मेरे हिसाब से तो दोनों कंट्रीज़ यार अच्छी हैं, और हम, मेरा भी नाता रहा है पाकिस्तान से, तो बट अभी मैं इंडियन सिटीज़न हूँ तो आई विल सपोर्ट इंडिया। भाई मेरा तो यहीं का, क्योंकि मैं खाती यहीं का हूँ, राशन पानी मेरा यहीं का है, तो आई विल सपोर्ट इंडिया। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपने ज्वाइन कर ली है। डेफिनेटली, अब तो ज़्यादा ही हक बनता है मेरा, क्योंकि अगर मैं इस वक्त बैठकर पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगी तो मुझे नवजोत सिंह सिद्धू या फिर इन लोगों की तरह, हो सकता है कल इनके पास आ जाए कि अर्शी को निकालो कांग्रेस पार्टी से, तो आई एम सो सॉरी। आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने की बात कह रहे हैं, उससे कितनी सहमति रखती हैं आप? यार देखो, इंडिया में आर्टिस्ट की कमी तो नहीं है। अब पाकिस्तान वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें तो बेहतर है, हमारे इधर तो वैसे ही इतने बेचारे मुंबई के अंदर इतने स्ट्रगलर घूमते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको काम दें तो बेहतर है। पाकिस्तान इंडस्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें, वहाँ पर अपने जलवे बिखेरें, यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, सो प्लीज़ वहीं पर रहो, वहीं पर काम करो। बट हाँ, एज अ सिंगर जो आतिफ असलम हैं, जो अदनान सामी हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, तो वो अलग ही लेवल पे, वो लेजेंड हैं, तो उनको काम करना, और पब्लिक, इंडिया की पब्लिक भी उन्हें पसंद करती है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बैन लगना, तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत लॉस है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी।